बीजेपी के सीनियर कायद व मरकजी वजीर बंडी संजय ने हफ्ते के रोज़ इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया कि दोस्ती के लिए बीआरएस और बीजेपी में बातचीत चल रही है। बंडी संजय ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बीआरएस को आउटडेट पार्टी करार दिया। बताया जाता है कि दिल्ली शराब घोटाले से मुतालिक एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ पसे पर्दा बीजेपी के साथ बीआरएस की बातचीत की कयास आरायां जारी है। दरअसल बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने बीजेपी में इंजमाम से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों को सख्त इंतबाह दिया था। बंडी संजय ने मजीद कहा कि तेलंगाना में मुनाक़िशुदे मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान अहम मुकाबला रहेगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत पंचायतों को फंड्स फराहम नहीं कर रही है और दावा किया कि मरकज़ के फंड से पंचायत इदारे चल रहे हैं। वक्फ तरमीम बिल पर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की शदीद मुखालिफत करते हुए बंडी संजय ने इनसे सवाल पूछा कि मजलिस आखिर अब तक कितनी वक्फ़ इमलाक का तहफ़ किया है और कितने गरीब मुसलमानों में वक्फ़ अराजियत तकसीम की गई। चंद मुकामात पर वक्फ़ अराजियत पर कब्ज़ों के इल्ज़ामात का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ़ तरमीम बिल की मंजूरी के बाद तमाम हकायक सामने आएंगे। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, डोली चौकी, हैदराबाद।